फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर रीना। आज हम A4 साइज शीट के लिए फाइल ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। ये मैंने उसके लिए ये वेलवेट का कपड़ा लिया है। ये हम वेलवेट का कपड़ा ले लेंगे। ये 26x14 इंच, यहाँ से लंबाई इसकी, यहाँ से ऊपर से यहाँ तक 26 इंच है और चौड़ाई यहाँ से 14 इंच है। ये यहाँ से 14 और ये ऊपर से लेंगे हम 26, यहाँ तक ये हम ले लेंगे। इसमें फोम डालेंगे और नीचे एक कपड़ा लगाकर हम इस पर क्विल्ट बना लेंगे। इस तरह से बनाने के बाद अब हम इसे सेंटर में से फोल्ड कर लेंगे। सेंटर में से फोल्ड करेंगे और नीचे 4 इंच यहाँ से कॉर्नर से, यहाँ से मैं बताती हूँ आपको, ये यहाँ से 4 इंच नीचे निशान लगा लेंगे। यहाँ पर ये यहाँ से 4 इंच नीचे निशान लगा के ये यहाँ से, और इसे यहाँ से ये हमने ऐसे तिरछा मिला देना है कोने से, यहाँ से सेंटर में से ऐसे मिला के, और इसे यहाँ से कट कर लेंगे एक तरफ से। यहाँ से मैंने पहले किया हुआ है, वो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ये मैंने पहले से कट किया हुआ है, एक तरफ से हम ये ऐसे ही रखेंगे, ये ऐसे रख लेंगे। और दो पीस हमें चाहिए ये वाले ऐसे, ये हैं 9x3.5 इंच के, 3.5 इंच, 9x3.5 इंच के दो पीस हम ये ले लेंगे। और हमें एक बटन चाहिए यहाँ पर लगाने के लिए, और हमें पाइपिंग के लिए कपड़ा चाहिए। ये मैंने बॉर्डर लिया हुआ है पाइपिंग लगाने के लिए, ये हम ले लेंगे। इस तरह से करने के बाद अब हम सबसे पहले यहाँ पर बॉर्डर को एक तरफ यहाँ पहले लगा लेंगे बॉर्डर को। ये आगे स्टिचिंग शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना भी मत भूलना। ये देखिए, इसे हम उल्टा रख लेंगे और यहाँ पर ये आप कोई भी कपड़ा भी ले सकते हैं, उसे कट करके 2-2 इंच की ऐसे पट्टियाँ काट लीजिए, उससे ये बना लीजिए पाइपिंग के लिए। ये हम इसे यहाँ लगा लेंगे, उल्टी तरफ हमने स्टिच करना है। ये हमने सिर्फ यहाँ तक ही लगाना है ये बॉर्डर, ये यहाँ तक। अब हम इसे सीधा करके और यहाँ पर इसे ऐसे फोल्ड करके और यहाँ स्टिच कर लेंगे ऐसे। ये लगाने के बाद पाइपिंग, अब हम इसे ऐसे उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे इसे। ये हमने यहाँ से 10 इंच फोल्ड करना है। ये देखिए, ये यहाँ से इतना हम 10 इंच तक इसे मोड़ लेंगे। इस तरफ से भी हमारा 10 इंच होना चाहिए। ये 10 इंच है हमारा, और यहाँ हम सेंटर में निशान लगा लेंगे। चाहे आप कट लगा लीजिए, चाहे आप चौक से निशान लगा लीजिए। यस, ये हमने निशान लगा लिए, ये यहाँ है और ये यहाँ है। ये लगाने के बाद अब हमने जो दो पीस लिए हुए हैं वो लेंगे हम। इस पर भी एक एक तरफ पहले पाइपिंग लगा लेंगे, ये यहाँ पर एक इस तरफ बस, जैसे हमने उस पर लगाई है। ये हम दोनों पर, ये देखिए, ये इस तरह से ये पाइपिंग लगाएंगे ऐसे, और ये इसे फोल्ड करके सिर्फ हमने एक की तरफ यहीं पर ही लगानी है बस, ऐसे मोड़ लेंगे और दूसरे को भी ऐसे ही मोड़ लेंगे।
ये जो अब हमने ये पाइपिंग लगा ली है दोनों पर, अब हम ये पाइपिंग वाली साइड ऊपर रखेंगे और ये जो हमने सेंटर लिया था इसका भी सेंटर है, इसे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ से पहले हम स्टिच करेंगे। ये इतना, और अब हम इसे ऐसे मोड़कर यहाँ लगा लेंगे। ये हमारा बराबर आ जाएगा दोनों। ये बराबर आ गया। अब हम ये इसे भी ऐसे यहां से यहां तक इसे भी स्टिच करेंगे, यहीं से ही हमने शुरू करना है। ये देखिए ये हमारा ऐसे ये एक तरफ लग गया है। अब हम इस तरफ भी ऐसे ही लगाएंगे, ये ऐसे रखेंगे इसे और इसे इसका हमने सेंटर दे लेंगे, ये लिया नहीं है, ये ऐसे और सेंटर से सेंटर मिलाएंगे ये ऐसे रखकर, और यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा छोड़कर इसे घुमाएंगे, यहाँ तक, और अब हम ये इस दोनों को मिलाते हुए यहां से इसे भी स्टिच कर लेंगे। ये ऐसे ये हमारा स्टिच हो गया। ये ट्राई में काट देते हैं, ये ऐसे हमारा बन गया। अब हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे, ये हमने यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से लेते हुए ये यहाँ तक लेकर आएंगे इसे, ये ऐसे उल्टी तरफ रखते हुए लगानी है हमने। इसे पहले फोल्ड कर लेंगे थोड़ा सा यहाँ, चाहे हम थोड़ी सी इधर से शुरू कर लेते हैं यहां से। ये कॉर्नर आ गया, ये यहां से हम इसे ऐसे मोड़ेंगे। ये ऐसे ही करते हुए ये यहाँ से यहाँ से ये यहाँ तक पूरा लगा लेंगे। ये यहाँ तक आएगा जब यहाँ से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे इसे, और इसे यहाँ से फोल्ड करके फिर हमने स्टिच करना है। ये हमारी इधर लग गई है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे दूसरी तरफ से, और यहाँ भी हम ये जो हमारा रह गया है यहाँ भी लगा लेंगे।
यहाँ से भी हमने थोड़ा सा फोल्ड करके फिर शुरू करना है। ये यहाँ से हम कट कर लेंगे और इसे इस तरह से स्टिच करेंगे। ये हमने पूरी लगा ली है, अब हम इसे यहाँ से शुरू करेंगे और इसे फोल्ड करके यहाँ से ऐसे पूरी पाइपिंग पूरे पर निकाल लेंगे ऐसे ही। ऐसे घुमाते हुए पूरी पर हम पाइपिंग निकाल लेंगे। ये यहाँ जो हमारा ये ऐसे तिरछा कॉर्नर था, ये यहाँ से ऐसे रखते हुए इसे और इसे एक बार और फोल्ड करके ये यहाँ से ऐसे रख देंगे। यहाँ से हमारा ये कॉर्नर बन जाएगा ऐसे। ये देखिए, ये मैंने पूरी पाइपिंग लगा ली है, ये हमारा ऐसे बन गया है, ये ऐसे आएगा हमारा ऐसे। यहाँ पर हम बटन लगाएंगे। ये मैंने पर्स से उतारा है, ये पर्स पे हमारे लगे हुए होते हैं जो ये बंद करने के लिए ऐसे ये चिपक जाता है, चुंबक वाला है ये। ये मैंने उतारा है, इसे मैं लगाऊंगी यहाँ पर। ये हम पहले इसे यहाँ निशान लगा लेंगे इसे बराबर रखते हुए, ये यहाँ से ये बराबर दोनों ये मिलाते हुए यहाँ से ये ऐसे और ये यहाँ ऐसे। यहाँ सेंटर में हम चौक से निशान लगा लेंगे, ये यहाँ और एक ये यहाँ, ये ऐसे यहाँ हमारा आएगा और यहाँ हम ये लगाएंगे। ये पीछे से ये निकाल लेंगे और इसे ऐसे यहाँ हम किसी चीज़ से यहाँ पर मोरा कर लेंगे और फिर इसे इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए, मैं यहाँ से कैंची से थोड़ा सा कट लगा रही हूँ। ऐसे ये हमारा कट गया है, ये इसे मैं इसमें डाल दूँगी और ये पीछे हम ये डाल देंगे इसका ऐसे और इसे ऐसे खोल देंगे ऐसे। ये लग गया, अब हम इस पर ये वाला लगा लेंगे। ये हम बाहर की साइड कट नहीं आना चाहिए इसका हमारा ये, ताकि बाहर से हमारा दिखे ना, इसलिए हम अंदर ही लगाएंगे। थोड़ा सा यहीं से कट करना है हमने सिर्फ इसी कपड़े को। ये ऐसे ही कट करके और हम इसमें ये डाल देंगे ये
कट किया हमने यहाँ पर, और इसे यहाँ खोल देंगे और इस तरफ भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए इस तरफ भी हमने डाल दिया है, ये हमने इस कपड़े के अंदर ही डाला है। ये देखिए हमारा बाहर से दिखाई नहीं दे रहा, ये ऐसे। अच्छे से कर लेंगे इसे, ये हमारा लग गया। अब हम ये देखिए इसे यहाँ ऐसे ये चिपका लेंगे, ये हमारा बन जाएगा। इसमें आप कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, इसमें कोई भी फोटो स्टेट वगैरह हो आपके पास या A4 शीट हो, या बच्चे भी अपने डॉक्यूमेंट्स रख के इसे यूज कर सकते हैं। कोई शीट्स होती हैं ये किसी भी काम आ सकता है घर पर रखने के। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।